या देशाला विशाल संस्कृती, मानवी विकास, प्राचीन असा गौरवशाली इतिहास लाभलाय. भारताचा 78वा स्वातंत्र्य दिन साजरा होत असताना सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण होतं. सातपूर भागातील उत्तर भारतीय बांधवांनी हा राष्ट्रीय सण चैतन्य आणि उत्साहात साजरा केला. हिंदी प्रसारिणी सभेचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या सोहळ्यास गारगोटीचे संचालक के सी पांडे, संरक्षक संतबहादूर सिंह, उपाध्यक्ष प्रल्हाद सिंह, मनीष मिश्रा, सभेचे सचिव संजीव चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष नागेंद्र बहादूर सिंह, सहसचिव रामप्रकाश सिंह, भुवाल सिंह, कॅप्टन कमलसेन सिंह हे उपस्थित होते. प्रारंभी अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांनी के सी पांडे यांचं स्वागत केलं. त्यानंतर ब्रह्मवृंदांच्या उपस्थितीत मंत्रोपचारात विधिवत पूजा केल्यानंतर प्रमुख पाहुणे तथा प्रसारिणी सभेचे संरक्षक के सी पांडे यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाचा मंगलमय सोहळा संपन्न झाला. सर्वांनी भारत माता की जय अशा घोषणा देत तिरंग्यास मानवंदना दिली. या प्रसंगी झालेल्या छोटेखानी कार्यक्रमात सभेचे प्रवक्ता वेद प्रकाश पाठक यांनी देशातील राजकीय सामाजिक बदल यावर विवेचन केले. मित्रों, सिर्फ आपकी संस्कृति और आपकी विरासत को नष्ट करने के लिए कोई भी पराया राष्ट्र, शत्रु राष्ट्र हमारे ऊपर अपनी बुरी दृष्टि हमेशा रखता है और निरंतर शाश्वत प्रयत्नशील है. हमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने राष्ट्र की गरिमा, अपना महत्व, अपनी कुर्बानियों की कीमत को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को ये जिम्मेदारी निभाना होगा. उनकी आकांक्षा क्या थी, उनकी शहादत के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए वो अपना बचाना क्या चाहते थे. सिर्फ मिट्टी ही देश नहीं होता दोस्तों, सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही देश नहीं होता. हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी धार्मिक परंपराएं, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सब मिलकर हमारी सभ्यता, ये राष्ट्र होता है. हमारी नदियां, हमारे वृक्ष, हमारी सीमाएं, ये सब राष्ट्र होता है. आप सबको मिलकर सबकी जिम्मेदारी है हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को स्वयं अपने अंदर स्थापित करें, उसके लिए गर्वित रहें, उसके लिए हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तत्पर रहें. सिर्फ तलवार से ही कुर्बानी नहीं होती मित्रों, जीवन में आदर्श स्थापित करना होता है. प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपनी पुरखों की दी हुई विरासत, उनका शौर्य, उनका ज्ञान, उनकी संस्कृति सबको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा अपने आचरण में लाना होगा. के सी पांडे यांनी राष्ट्रहित जोपासताना प्रत्येकानं सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा प्रयत्न करावा असं आवाहन केलं. हम गुलाम क्यों हुए, भारत वर्ष सोने की चिड़िया है, थी और रहेगी. मैं लगभग सेना से रिटायर हुए 1993 में रिटायर हुआ, तब से जितने भी वक्तव्य मेरे या लेख आए हैं गारगोटी के बारे में, मैंने हमेशा यही कहा है. आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने वापस ये विश्व को संदेश दिया है, हम निरीह और कमजोर नहीं है. और आज उन्होंने किसके बल पर ये संदेश दिया है, आप सबके बल पर, हम लोगों सब पे. आप सब लोगों को मानना है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने में और जो विकसित भारत बनाने में हम सबका योगदान है. हम जो भी हैं, जहां भी हैं, 2 रुपया कमा रहे हैं, 2 करोड़ कमा रहे हैं, आप सबके योगदान से ही भारत विश्व गुरु बनेगा और बनने जा रहा है. अभी हमसे पहले भाई भुवाल सिंह ने कहा कि हम बटे हुए हैं, तो क्यों बटे हुए हैं? आज जो एक संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कि हर घर तिरंगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप घर पे तिरंगा लगा के आएंगे और जिनके पास बिजनेस इंस्टॉलेशन एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अपने लगा के आएंगे. और हमारा कोई भाई गरीब है, जो मजदूर है, अगर उसके पास नहीं तो सामूहिक रूप से बताइए, हिंदी प्रसारणी सभा तिरंगा देगी और 1 दिन 2 दिन पहले ही देगी. इसीलिए ये राष्ट्र पर्व है कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन तो कम से कम इकट्ठा रहे राष्ट्र के नाम पे. और जिन गलतियों के वजह से हम स्मृत होते हुए गुलाम बने, वो गलतियों की पुनरावृत्ति फिर नहीं होनी चाहिए. वो तभी होगा जब हम लोग एकत्रित रहेंगे. सचिव संजीव चतुर्वेदी आणि भुवाल सिंह
यांनी देशात एकता राखण्याची गरज असून प्रत्येकाने भाईचारा वाढीस लागण्यासाठी कार्यरत राहावे असं आवाहन केलं. इस कहने का अर्थ यह है कि हमें अपने इतिहास को एक समग्रता में संपूर्णता में देखने की जरूरत है. हमारा ये स्वतंत्रता संग्राम हजार सालों से चल रहा है, लगभग हजार सालों की गुलामी ने हमें इस चीज को मजबूर किया कि हम वही देखें जो हमें दिखाया जाए. हम अपने बातों को अपने को अपने खुद सोचने की भाव नहीं रखते हैं, हमें सोचने की आवश्यकता है. झलकारी बाई, रानी लक्ष्मी बाई, ये लोग किसके लिए शहीद हुए, कुर्बानियाँ किसके खिलाफ दी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदू स्वराज्य का सपना देखा किसके लिए देखा, हमारे आपके लिए देखा, उन लोगों के खिलाफ देखा जिन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति पर हमला किया. और आज वही लोग अंग्रेजों की आड़ में बैठकर एक बार वापस हमारे ऊपर हमारी सभ्यता और संस्कृति पर हमला करने की तैयारी में हैं. ये सावधानी आपको देखना है. नहीं समझ में आ रहा है तो बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ पे कोई चतुर्वेदी जी, कोई सिंह साहब, कोई यादव जी नहीं है, सभी एक अलग भाव से हैं, जिनको उनके भाषा में काफिर कहा जाता है. आपको जरूरत है, आवश्यकता है आज अपने आप को जागृत करने की, अपने आप को पहचानने की, हम किसके हैं, हम क्या हैं, ये हमें जानने की जरूरत है. बहुत जैसा कि पाठक जी ने बताया, चतुर्वेदी जी ने बताया कि बहुत संघर्षों के बाद में आज मिला है जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं. हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं. और जैसा कि चतुर्वेदी जी ने बताया कि अंग्रेजों के पहले भी हम गुलाम थे, और जो स्थिति आज की दिख रही है दूसरे मुल्कों को देख करके और यहाँ की स्थिति को देख करके, मुझे आप लोगों को एक सूचित करना, चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम सभी भी अपने अपने पोजीशन में रहें और अपनी तैयारी रखें, इसलिए कि ज़्यादा दिन मतलब कभी इस तरह से जैसा हम लोगों ने लापरवाही के साथ में अभी चलते आए हैं, अगर ऐसे चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि फिर वापस हम गुलाम बन जाएं. और ये हम कतई नहीं होने देंगे. हम लोगों को जो है एकजुट होकर के एक एक जात अपनी हिंदू बना करके रखना है. हम अलग अलग जातियों में बैठ करके डिवाइड एंड रूल का जैसे पहले लोगों ने किया था वैसा अभी भी चालू है लोगों का सोचना. हिंदी प्रसारिणी सभेच्या वतीनं हिंदी दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार असून यानिमित्तानं 4 दिवस धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलंय. त्यात सर्वांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन केलंय. आपली शुभकामना. मैं जो भी काम करता हूँ अकेले स्वयं नहीं कर पाता, जितने भाई हमारे बैठे हैं सबका सहयोग मिलने से ही मैं सब काम कर पाता हूँ. मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कोई भी प्रोग्राम होगा हमारे सब भाई, चाहे पैसे का तो ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, लेकिन तन से सब लोग जुटें और जुट के ये जो 10 से 14 तक का प्रोग्राम है उसको सफल बनावें. प्रोग्राम की रूपरेखा संस्था पर 1 तारीख से पर डे डाली जाएगी, प्रतिदिन डालेंगे, जिसमें 10 तारीख को जो है एक मैं बता देता हूँ, 10 तारीख को 1 बजे से दुर्गा मंदिर सातपुर से कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें बोलताशा किया गया है, रद्द किया गया है और सब भाइयों से अनुरोध है उस दिन छुट्टी ले, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से अपने परिवार लेके से अपने पूरे परिवार के साथ, और जेंट्स लोग जो रहेंगे वो भगवा कुर्ता और लेडीज जो रहेंगी वो पीली साड़ी ये पहन के आवें. और कलश यात्रा निकलेगी, इसमें सब लोग का साथ जरूरी है. या प्रसंगी विश्वस्त विद्याभास्कर दुबे, संतोष तिवारी, सुरेंद्रमणी त्रिपाठी, आलोक सिंह, कैलास सिंह, शिवधनी सिंह यादव, अरविंद कुमार पाठक, अमरजीत भारद्वाज, रणजित प्रसाद यांच्यासह पदाधिकारी आणि सल्लागार उपस्थित होते. मनोहर गायकवाड, दिशा न्यूज, नाशिक.